नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का ये वीडियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल समस्त छात्र संघ में छात्र संघ प्रतिनिधियों का नामांकन होना है, नामांकन रैली का आयोजन होना है। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सभी को कल हमारे भाई, हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, हमारे टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष प्रत्याशी भाई राहुल सिंह धामी, हमारा लाडला भाई, हमारा छोटा भाई, उसके समर्थन में आकर उसका मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी को आमंत्रित करना है। आप सभी को हमारे कार्यालय में, जहाँ पर हमारी नामांकन रैली होनी है, वहाँ पर आपको आमंत्रित करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समय आप सभी को पता चल चुका होगा, समय 11 बजे, स्थान चौहानपाटा सुनीता होटल के समीप, जहाँ पर हमारा पुराना कार्यालय था। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पर आएँ, हमारे भाई का उत्साहवर्धन करें। साथियों, आज जब मैं इस नामांकन रैली की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा पुराना चुनाव याद आ रहा है। और आज की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अपने कार्यालय में पहुँचा, आज जैसा कि आपको पता है वार्षिकोत्सव हो रहा था, उसके बाद जब हम कार्यालय आए, तब सारे छोटे भाई बहन वहाँ पर पहुँचे, आकर मुझसे गले लग गए। आशीष दा, पिछली बार जैसा हमारे साथ हुआ था, इस बार भी कहीं वैसा ही तो नहीं होगा? मैं भावुक हो गया, मैं इमोशनल हो गया, मुझे पुराना चुनाव याद आ गया। उस कदम वहाँ पर रखते ही मुझे मेरा पुराना चुनाव याद आ गया कि कैसा जुल्म, कैसा अत्याचार पिछली बार हमारे साथ किया गया था। मुझे सब कुछ याद आ गया, वो बॉक्सिंग रिंग के ऊपर चढ़ना, सामने पुलिस प्रशासन का होना, हमें दुत्कार दिया जाना, हमारे साथ वो चीज़ें होना जो कि शायद छात्र संघ के इतिहास में कभी किसी के साथ नहीं हुई थी। मुझे सब कुछ याद आ गया, बॉक्सिंग रिंग के ऊपर हमारा चढ़ना, सभी लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, संगठनों के द्वारा, इसलिए कह रहा हूँ साथियों, एक संगठन ने तो हमें दुत्कार दिया और दूसरे संगठन ने हमारे नाम का इस्तेमाल कर लिया। सब कुछ हमारे फायदे की राजनीति, इसे ही कहा जाता है। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ, तो मुझे ये चुनाव बदले का भी चुनाव लग रहा है। ये चुनाव बदलाव का तो है ही, हम ये चुनाव लड़ तो रहे हैं एसएसजीयू में नई छात्र क्रांति के लिए, नया इतिहास लाने के लिए। लेकिन मुझे जब उन साथियों का इतना इमोशनल अटैचमेंट मुझे जब दिखता है, तो मुझे चुनाव बदले का भी नजर आता है। वो साथी, उनको बदले का चुनाव भी दिखता है। वो कहते हैं, आशीष दा, जो कुछ पिछली बार हुआ है, हमें उसका बदला लेना है। मैं तब उनसे कहता हूँ कि हमें तो चुनाव बदलाव लाना है। तो सब कुछ मुझे याद आ गया साथियों, मैं पिछले आंसू में किसी के नहीं बोला। सब बड़े भाई बहन, मेरे बड़े दादा लोग, छोटे भाई बहन, हमारे सारे समर्थक रो रहे थे, वह आंसू किसी के नहीं सूखे। अभी भी लोग मुझसे कुछ बात करते तो उनके आंसू निकल जाते हैं। तो ये नामांकन रैली, मुझे लगता है ये कल, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ। जब मेरे आंखों में वो चुनाव मेरे को दिखता है, तो मुझे केवल और केवल दिखता है छात्र छात्राओं का एक बहुत सा बड़ा हुजूम, कि कैसे हम वापस जब हम गए, जब हमें सरकार के दबाव में, सारी चीज़ों के दबाव में, जब हमारा नॉमिनेशन निरस्त कर दिया गया था, जब हम गए तो पूरा कॉलेज खाली हो गया, सारे के सारे छात्र छात्राएं वहां से चले गए। इतना अपार छात्र सैलाब हमारे पीछे था, पीछे है, मुझे लगता है कि जिसका कोई भी सानी नहीं है। मैं बहुत इमोशनल हूँ साथियों इस वीडियो को कहने में, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब बात नामांकन रैली में उस कार्यालय की आई, पुराना कार्यालय, जहाँ पर वापस आते टाइम सारे छात्र छात्राएं रो रहे थे, उनके लिए खाना बनाया गया था और किसी ने नहीं खाया, और सब बिना खाना खाए वहाँ पर चले गए, तो मुझे वो सब कुछ अभी भी याद आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उस बात को हटाइए, भूल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम ऐसे जो में बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जो हम नया परिवर्तन लाएंगे, नया इंकलाब लाएंगे। कल मैं आप सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से, समय 11 बजे, स्थान चौहानपाटा सुनीता कार्यालय के समीप, सुनीता होटल के समीप, जहाँ पर हमारा पुराना कार्यालय था, चौहानपाटा रोड से नीचे सुनीता होटल के सामने, आप सभी को मुझे लगता है कि याद ही होगा। आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से आमंत्रित करता हूँ, आप सभी को आमंत्रण भेजता हूँ, इसे ही आप हमारा व्यक्तिगत आमंत्रण समझें। आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारे लाडले भाई, हमारे संगठन के अध्यक्ष प्रत्याशी भाई राहुल सिंह धामी के समर्थन में आएंगे। 2 दिन आप, कल नामांकन रैली और परसों गैदरिंग है, 2 दिन में आपसे आपका और अधिक स्नेह चाहता हूँ, और अधिक प्यार चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी का स्नेह उसे मिले और हम एक इतिहास बनाने के, हम इतिहास रचने साथियों बस 2 कदम दूर हैं, 2 दिन केवल दूर हैं। 2 दिन के बाद ये कहा जाएगा कि मुट्ठी भर लोगों ने इस विश्वविद्यालय का, इस प्रदेश का इतिहास बदल कर रख दिया। तो मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ससमय आप लोग आएँ 11 बजे, आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। अधिक से अधिक संख्या में आएँ, अपने सभी भाई लोगों को, सभी बहन लोगों को, सभी साथियों को लेकर के आएँ, और एक ज़बरदस्त कार्यक्रम हम वहाँ पर करेंगे। मैं आप सभी को चाहता हूँ कि आप सभी लोग आएँ। धन्यवाद साथियों, ये मैं बात आपसे कहना चाहता था। और मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था कि ये सब बातें कहने का, लेकिन जब नामांकन की बात सुनी, मैं नया, मुझे अभी भी याद आता है कि मैं नया सूट पहनकर, अपना नया वास्केट पहनकर, नए कपड़े पहनकर कॉलेज जा रहा था। वो नए कपड़े पहनकर मैंने सोचा था कि मैं इस कॉलेज का नया इतिहास लिखेंगे, लेकिन हमारे सपनों को कुचल दिया गया, कुत्ते की तरह हमें दुत्कार दिया गया, कुछ नहीं बोले हम, कुछ नहीं बोले साथी, और वो भूलने वाली चीज़ भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कल आएँ, कल हमारे लाडले भाई का समर्थन करें, नामांकन रैली में आप आएँ अधिक से अधिक संख्या में, और उसको अधिक से अधिक स्नेह दें, प्यार दें, समर्थन दें और आशीर्वाद दें। तो कल 11 बजे स्थान चौहानपाटा सुनीता होटल के समीप आप सभी लोगों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।